हेलो एवरीवन, वेलकम इन द सब्जेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग विच हैव द सब्जेक्ट कोड ऑफ TC802। ओके, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लर्निंग आउटकम ऑफ दिस सब्जेक्ट। दीज आर द फाइव डिफरेंट लर्निंग आउटकम ऑफ दिस सब्जेक्ट। फर्स्ट वन इज द अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड इम्पोर्टेंट थ्योरीज रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड देयर एप्लीकेशन। जो फर्स्ट लर्निंग आउटकम है वो रिलेटेड है फर्स्ट यूनिट से, उनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे अभी इसके बाद। सेकेंड लर्निंग आउटकम है यूज द मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड बेस्ट प्रैक्टिस इन द प्लानिंग इम्प्लीमेंटिंग मैनेजिंग एंड यूज वेरियस डिफरेंट चार्ट फॉर एनालाइजिंग एंड मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग कॉम्प्लिकेटेड वंस। इन इस केस में ये होता है कि जो भी आपके पास टेक्निक्स हैं उन टेक्निक्स को आप पढ़ोगे यूनिट सेकंड में, और यूनिट फर्स्ट में भी आपके पास डिफरेंट टेक्निक्स होगी, डिफरेंट आपके पास फॉर्मूलाज होंगे कि कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क को आपको विद इन अ टाइम किस टेक्निक से आप उसको इजिली एनालाइज कर सकते हैं कि ये वाला जो मेरा वर्क है, जो कंस्ट्रक्शन जो प्रोग्रेस है, ये कितने टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा और मुझे कौन सा वर्क कब इम्प्लीमेंट करना है, कब एग्जीक्यूट करना है, ये सारे फॉर्मूलाज होंगे और इनके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स भी हैं। तो ये सारे मेथड्स आप पढ़ोगे इनके यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड में, बट मैक्सिमम जो इसके मेथड्स हैं वो यूनिट फर्स्ट में ही डिस्कस कर रखे हैं। थर्ड लर्निंग आउटकम इज द आइडेंटिफाई एंड डिप्लॉय एप्रोप्रिएट इक्विपमेंट्स फॉर स्पीडी एंड इकोनॉमिकल एग्जीक्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स विद इन स्टिपुलेटेड टाइम शेड्यूल। इसमें यह होगा कि आपको डिफरेंट इक्विपमेंट्स एज पर डिमांड ऑफ वर्क आपको वो आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन सा इक्विपमेंट अभी यहाँ पे रिलायबल है इस प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क के लिए, कि मैं किस इक्विपमेंट को भी यहाँ पे हायर करूँ कि उससे क्या होगा जो स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो भी, और वो इकोनॉमिकल भी हो, और विद इन अ टाइम जो शेड्यूल आपने डिसाइड किया हुआ है उसमें जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाए। तो इसमें आप पढ़ोगे डिफरेंट इक्विपमेंट्स के बारे में जो भी यूज होते हैं सिविल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स में। जो फोर्थ लर्निंग आउटकम है वह अप्लाई अवेलेबल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन प्लानिंग शेड्यूलिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। क्या होता है कि जब भी आप ऑन साइट किसी वर्क को, किसी प्रोजेक्ट को आप ऑडिट करते हो, उसका आप प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करते हो, तो उसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर भी हैं आज के डेटेड में। एक अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं तो वह है प्राइम एरा। की हेल्प से आप किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क का प्रोग्रेस चेक कर सकते हो, ये देख सकते हो कि अगले आने वाले टाइम में ये और कितना टाइम लेगा कंस्ट्रक्शन, अगर आपको उसका स्टेप्स मालूम है कि अभी हम किस स्टेप पे चल रहे हैं, क्योंकि जो भी वर्क होगा उसको आप डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड करते हो, तो उसकी हेल्प से आप उस जो सॉफ्टवेयर है उसकी हेल्प से आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि मुझे और कितना टाइम लगेगा, और एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क आप इजीली वहाँ पे चेक कर पाओगे कहाँ पे हो पा रहा है और कहाँ पे नहीं हो पा रहा है। तो वो अगर वो गैप आप आइडेंटिफाई कर लोगे इजीली तो आप जो स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन है उसको आप अचीव जल्दी कर सकते हो। लास्ट है प्रिपेयर टाइम बेस्ड शेड्यूल ऑफ द डिफरेंट स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोजेक्ट। डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए डिफरेंट टाइम शेड्यूल आपको प्रिपेयर करना है, और उनके डिफरेंट क्या होते हैं पैरामीटर्स होते हैं, डिफरेंट केसेस भी होते हैं कि किस टाइप के कंस्ट्रक्शन वाले प्रोजेक्ट को आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है। ये आप अभी जो यूनिट्स हम डिटेल में पढ़ेंगे उसमें आप ये ठीक से पढ़ पाओगे। ओके, वहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे हम डिटेल में। जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस सब्जेक्ट का वो यही है कि आपको जो भी आप कंस्ट्रक्शन करते हो किसी भी साइट पे उसको विद इन अ टाइम आप कैसे उसको एग्जीक्यूट करोगे विद इन अ टाइम में, और इकोनॉमिकल भी होना चाहिए। तो उसके लिए आपको डिफरेंट मेथड्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हुआ है इस पूरे यूनिट में, वो आप पढ़ोगे। CPM है जिसको बोलते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड, एंड PERT है इसको बोलते हैं आप प्रोग्राम इवेल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। उनकी हेल्प से आप किसी भी कंस्ट्रक्शन को रिव्यू कर सकते हो। तो फर्स्ट यूनिट जो है वह है शेड्यूलिंग प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स। इसमें जो मेन मेथड होता है वह है बार चार्ट। ये छोटे
जो कॉस्ट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए इनको यूज़ करते हैं, एंड सीपीएम पर आप यूज़ करते हो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। तो इनकी हेल्प से आप क्रिटिकल पाथ मेथड एंड प्रोग्राम इवेल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, तो इन मेथड्स की हेल्प, ये मेथड्स हैं, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम जब यूनिट फर्स्ट पे हम पढ़ेंगे, तो इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम ओवरव्यू इस पूरे सब्जेक्ट का ले लेते हैं। तो इन मेथड्स की हेल्प से आप ये पढ़ इजीली कैलकुलेट कर पाओगे किस वर्क को कब एग्जीक्यूट करना है और कौन कौन से वर्क मेरे पैरेलली चल सकते हैं। सपोज दैट आपको कोई कंस्ट्रक्शन करना है, कोई हाउस कंस्ट्रक्शन करना है, तो उसमें आप मेनली इसको थ्री पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहला वाला पार्ट होगा इसका सब स्ट्रक्चर का, सेकेंड पार्ट होगा इसका सुपर स्ट्रक्चर का, और थर्ड वाला पार्ट जो होगा वो हो सकता है इसका इलेक्ट्रिक एंड सैनिटरी फिटिंग का। एंड फर्स्ट पार्ट के भी सब डिवाइडेड पार्ट होंगे, जैसे सपोज दैट पहले आपने एक्सकेवेशन किया, फिर आपने फिलिंग किया, ओके, बेस आपने इसका प्रिपेयर किया बिल्डिंग का, आपने पे प्लिंथ कॉलम वगैरह डाले इसके, उसके बाद आप सुपर स्ट्रक्चर पे आगे नेक्स्ट स्टेप बढ़ेंगे। जो लास्ट वाला पार्ट होगा वो होगा इसका इलेक्ट्रिक एंड सैनिटरी फिटिंग का। बट इनमें जो फर्स्ट पार्ट होगा, फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो जब एक्सकेवेशन होगा उसके बाद ही उसमें कॉलम वगैरह फिल होंगे। तो ये स्टेप्स आप इसमें पढ़ोगे कौन से वर्क आप पैरेलल कर पाओगे, कौन से वर्क आप पैरेलल नहीं कर पा सक कर सकते हो, और कितना टाइम एक पर्टिकुलर टास्क को आप दे रहे हो। सपोज इट हम बात कर रहे हैं एक्सकेवेशन की, तो एक्सकेवेशन पार्ट के लिए आप जो हम बात कर रहे हैं फाउंडेशन वाला पार्ट, तो फाउंडेशन वाले पार्ट को आपने टोटल कितना टाइम दिया है। बात करेंगे फिर इसका सुपर स्ट्रक्चर वाला पार्ट है, तो सुपर स्ट्रक्चर वाले पार्ट में आपने कितना टाइम उसको दिया है। देन जो लास्ट वाला पार्ट आता है इसका इलेक्ट्रिफिकेशन या जो भी सैनिटरी वर्क वाला, उसको आपने कितना पार्ट कितना टाइम दिया है। तो इन पार्ट के भी सब डिवाइडेड होंगे, इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो उन पार्ट को आपको रिव्यू करना है, उनको एनालाइज करना है, और सभी पार्ट को आपको चार्ट में ड्रॉ करना है। उससे आप किसी भी पार्ट में अगर कोई लैक ऑफ टाइम हो रहा है तो उसको आप ठीक से आइडेंटिफाई कर पाओगे और उसको जल्दी आप फिक्स कर पाओगे। अगर आपने कोई कंस्ट्रक्शन, हाउस कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है एट द टाइम ऑफ मार्च, तो आप ये चाहोगे कि जो उसका पूरा सुपर स्ट्रक्चर वाला पार्ट है और जो उसका पूरा सब स्ट्रक्चर पार्ट है या आउटर पार्ट, वो इसका कम से कम जून या जुलाई तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, या उससे पहले पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। उससे क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि जून जुलाई के बाद आपका मानसून सीजन आएगा जून के बाद, तो मानसून सीजन के टाइम पे आप कोई भी आउटर वर्क यानी कि ब्रिक वर्क नहीं कर पाओगे, आउटर प्लास्टिक नहीं कर पाओगे, या कोई भी कास्टिंग या कंक्रीट कास्टिंग आप नहीं कर पाओगे। तो उस टाइम पे वो सबसे बेस्ट टाइम होता है आपका इंटीरियर वर्क के लिए, यानी कि आप जो इनर पोर्शन की वॉल है उन पे प्लास्टरिंग करवा सकते हो, उन पे आप वाइट पुट्टी करवा सकते हो, ओके, आप इंटीरियर पोर्शन पे टाइल फ्लोरिंग करवा सकते हो। तो उस टाइम पे भी आपकी लेबर जो होगी वो एग्जीक्यूट कर रहे होंगे वर्क को, यानी कि आपका जो टाइम है वो कहीं पे भी लैक नहीं करेगा। तो उस वजह से जो आपका जो फाइनल टास्क है या एग्जीक्यूशन जो आपका है कि मुझे इतने शेड्यूल टाइम पे इसको कंप्लीट करना है, वो आप इजीली अचीव कर पाओगे। तो ये थोड़ा एग्जांपल था कि आपको किस तरह से एग्जीक्यूशन करना है वर्क का, और उसके जो मेथड्स होंगे उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम यूनिट फर्स्ट को पढ़ेंगे। ओके, यूनिट सेकंड कंस्ट्रक्शन प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसमें आप पढ़ोगे जितने भी आप इक्विपमेंट्स यूज़ करते हो कंस्ट्रक्शन के लिए, चाहे हो बुलडोज़र हो, डंपर्स हो, ओके, पिलिंग हैमर्स हो, पंप्स हो, कंप्रेशर हो, बिटुमिन्स, मिक्स प्लांट रोलर्स वगैरह जो भी हैं, आप इनको यूज़ कहाँ पे करोगे और किस किस कंस्ट्रक्शन में कौन सा इक्विपमेंट ज़्यादा रिलायबल होगा आपके नेचर ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग। ओके, तो इसको हम डिस्कस करेंगे यूनिट सेकेंड में। एंड यूनिट थर्ड है कॉस्ट कंट्रोल मॉनिटरिंग एंड अकाउंटिंग, तो इसमें आप पढ़ोगे बजटिंग ऑफ प्रोजेक्ट और एक्टिविटी, कॉस्ट कंट्रोल, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम, कंट्रोल ऑफ प्रोजेक्ट कैश फ्लो, कैश फ्लो इसमें आप पढ़ोगे, एंड कंट्रोल शेड्यूल एंड बजट अपडेटिंग एंड रिलेटिंग कॉस्ट एंड शेड्यूल इंफॉर्मेशन। ये वाली यूनिट जो है ये डायरेक्ट अफेक्टेड है यूनिट फर्स्ट से, क्योंकि जो भी आप वहाँ पे पढ़ोगे शेड्यूलिंग वगैरह जो भी आपका प्रोजेक्ट का होगा उसका इफेक्ट यूनिट थर्ड जो यहाँ पे लिखा हुआ है इस पे पड़ेगा। क्योंकि अगर आप किसी प्रोजेक्ट में टाइम ज़्यादा लगाते हो तो ये कंफर्म है कि उस प्रोजेक्ट में लगने वाला कॉस्ट भी बढ़ेगा।
क्योंकि अराउंड 40% 40% जो कॉस्ट होता है वो लगता है लेबर कॉस्ट, एंड अदर 60% जो कॉस्ट होता है वो आपका मटेरियल कॉस्ट होता है। तो आपको इन दोनों पे ही मैक्सिमम फोकस करना है कि मटेरियल का क्वालिटी क्या आप रखने वाले हो एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क कैसा होने वाला है। ओके तो मटेरियल पे अगर आप ठीक से कंट्रोल करोगे, उसके कंट्रोल क्वालिटी वगैरह पे, तो यानी कि कहीं ना कहीं आप इसको अचीव कर लोगे जो बजटिंग वगैरह प्रोजेक्ट का है। नेक्स्ट है यूनिट 4th, क्वालिटी कंट्रोल एंड सेफ्टी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। जो भी आपके क्लाउज वगैरह हैं कि जब भी आप कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हो तो उसमें को क्या क्या स्पेसिफिकेशन रखना होता है क्वालिटी कंट्रोल के लिए, वो आप इसमें पढ़ोगे। और कोई भी वर्क आप एग्जीक्यूट कर सकते हो पैरेलली ही, बट आपको देखना होगा कि उसमें सेफ्टी का कितना बड़ा रोल है। ऐसा ना हो कि ऊपर कोई शटरिंग लगा रहा है और उसके नीचे ही आप कोई वर्क, सेकेंड वर्क आप पैरेलल में चले गए और आप पैरेलली कोई वर्क एग्जीक्यूट कर रहे हो। पैरेलली वर्क होते हैं, बट पैरेलली वर्क कहाँ कहाँ पे होने हैं, कहाँ कहाँ पे नहीं होने हैं, ये आप इसमें ठीक से पढ़ोगे। अगर कोई ऊपर शटरिंग कर रहा है और कोई कंक्रीट कास्टिंग हो रहा है और यहाँ नीचे कोई वर्क कर रहा है, तो अगर कोई कोई डैमेज हो गया या कॉलेप्स हो गया तो ये फिर काफ़ी बड़े एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा वर्क पैरेलली हम कर पा रहे हैं और कौन सा वर्क पैरेलल नहीं हो पाएगा। ओके पैरेलल वर्क करने से ये ज़्यादा इजी होगा कि आपका कॉस्ट एंड टाइम दोनों का बचत होगा। लास्ट यूनिट है अकाउंट्स प्रोसीजर्स एंड वैल्यूशन। इसमें आप जो भी आपका प्रॉपर्टी है उसकी आप वैल्यूशन यहाँ पे करोगे। वैल्यूशन का जो मतलब होता है वो है कि उसका करंट वैल्यू कितनी है उस प्रॉपर्टी की, और उसका सिंक वैल्यू कितना है, उसका डेप्रिसिएशन कितना है, उसका डेप्रिसिएशन आप कैसे कैलकुलेट करोगे, टेंडर वगैरह है, टेंडर टेंडर नोटिस कैसे लिखते हैं, कैसे उसको निकालते हैं, कैसे आप टेंडर पढ़ेंगे और टेंडर को आप ऐसा बनाइए कि वो एक्सेप्ट हो जाए। तो उसके लिए आपको इसका स्पेसिफिकेशन पढ़ने होंगे जो भी जिसके लिए भी आप टेंडर डाल रहे हो। ओके और क्लासिफिकेशन आप पढ़ोगे इसमें कॉन्ट्रैक्ट का। आई थिंक आपने ये लास्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया था पार्थो सर से, जितने भी टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मैं देख रहा हूँ इसमें, तो हम दोबारा भी इसको पढ़ लेंगे। ओके पेनल्टी वगैरह जो भी उसके क्लाउज वगैरह होंगे पेनल्टी के, वो हम इसमें पढ़ेंगे। मेजरमेंट बुक, ओके अकाउंट प्रोसीजर ऑफ स्टोर, इशू रेट, स्टॉक अकाउंटिंग, बिल वाउचर, फर्स्ट एंड फाइनल बिल, एडवांस पेमेंट, हैंड रिसीप्ट, ये सारे टर्म्स हैं जो टर्म्स आपको यूज आएंगे किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे। ओके ग्रॉस इनकम, नेट इनकम, आउटगोइंग, स्क्रैप वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू, ये आप पढ़ोगे जब आप वैल्यूशन पढ़ोगे, उस टाइम पे ये सारी जो टर्म्स है वहाँ पे यूज होने वाले हैं। डेप्रिसिएशन, ये सिंकिंग मैं बात कर रहा हूँ, सिंकिंग, डेप्रिसिएशन, वैल्यूशन ऑफ बिल्डिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, कैसे आप निकालते हो कि कोई भी वैल्यू की कोई भी जो प्रॉपर्टी है उसकी कीमत कब गिरने लग जाती है। ओके कब उसमें डेप्रिसिएशन आना लग जाता है, तो वो आप उसको कैलकुलेट कैसे करोगे, उसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स वगैरह हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। मेथड्स, मेथड ऑफ वैल्यूशन एंड फिक्सेशन ऑफ रेट्स, ये आप इसमें पढ़ोगे यूनिट 5th में। वैल्यूशन का जो भी क्राइटेरिया हैं, जो भी इसमें डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, दोनों फैक्टर्स हो सकते हैं, घटाने वाले भी हो सकते हैं कि जो किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू को कम करें, और बढ़ाएंगे ऐसे फैक्टर भी होते हैं जो किसी की वैल्यू को, किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू को बढ़ा दें। तो उसका डिटेल्स हम पढ़ेंगे यूनिट 5th में, और इसके लिए जो आप बुक प्रेफर करोगे वो आप करोगे बीसी पुनिया की सीपीएम पार्ट। ये बुक का फ्रंट कवर है, टाइटल है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल विद पर्ट एंड सीपीएम। ओके ये है डॉक्टर बीसी पुनिया, इस बुक को आप प्रेफर करोगे। इसमें आपको आई थिंक पूरा मिल जाएगा यूनिट 1 to 5। अगर कुछ नहीं भी मिलेगा, कुछ मिसिंग होगा, तो उसको अलग से नोट्स बना के मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके अगर कुछ डाउट्स वगैरह हैं आपको इस लर्निंग आउटकम को रिलेटेड या कुछ बाकी इसके रिलेटेड जो आज पढ़ाया गया है, तो आप पूछ सकते हो। ओके थैंक यू।